नमस्कार स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में मैं हूं आपका दोस्त नीरज और कहते हैं कि इनोवेशन इज़ द की किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए या आपकी अपनी लाइफ में भी सक्सेस के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है यानी कुछ कुछ नया करते रहना या कहीं कुछ नया हो तो उससे सीखना और अगर इसी को हम बिजनेस में डालें तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं मार्केट में एक ऐसा फ़ंड आया है जो इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करेगा यानी जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में इमर्ज हो रही हैं जो नई हैं अपने तरीके की नए प्रयोग हैं वो स्ट्रेटजी के तौर पे हो सकते हैं इन्वेंशन के तौर पे हो सकते हैं यूज केस के तौर पे हो सकते हैं उन कंपनियों को फोकस करना है इस फंड में मैं बात कर रहा हूँ एस इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड की आज इस फंड के बारे में बातचीत करेंगे जो बारह अगस्त तक खुला हुआ है क्या होता है इस फंड में कैसे ये इनोवेटिव आइडियाज़ को ट्रैक करेंगे और किस चीज़ को मानते हैं ये इनोवेटिव इन सब पे बातचीत होगी और हमारे साथ हैं इस फंड के फंड मैनेजर प्रसाद पाडला प्रसाद बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ा नाम से ही लग रहा है कि अलग तरीके का एक फ़ंड है ये डिटेल में इसके बात करें लेकिन हमारा रूल है कि हम सबसे पहले फ़ंड मैनेजर से मार्केट को एक व्यू लेते हैं बहुत ही ट्रिकी जगह पे मार्केट है हमारा है ना पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउनस हैं कुछ जियो पोलिटिकल रीजन से कुछ यू की वजह से कुछ अपने इंटरनल रिजल्ट सीजन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो एज ए फंड मैनेजर इस वक्त मार्केट को आप कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं या हेलो नीरज जी नमस्कार नमस्कार एवरीबडी तो लाइक यू मार्केट अभी जहाँ पे है तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली चैलेंजिंग है यहीं um, पे कई मार्केट सेक्शंस में वैल्युशंस का फ्रॉथ है बट एट द सेम टाइम देयर आर मैनी बॉटम ऑफ आइडियाज भी है तो ओवरऑल मार्केट्स में आई थिंक um, अगले एक साल में थोड़ा इंडेक्स uh, में रिटर्न uh, मिलना मुश्किल है बट आई थिंक बॉटम ऑफ स्टॉक पिक में फोकस है अगर आप अच्छे स्टॉक uh, सेलेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक वहां पे भी फिर भी स्कोप है तो आई थिंक मार्केट वैसा बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग मार्केट रहेगा अगले एक साल में तो ये हमारा मानना है तो आई थिंक ओवरऑल थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा बट मोर फोकस विल ऑन बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग बट जैसे पिछले साल जितने तूफानी रिटर्न थे वैसे रिटर्न शायद इस साल ना मिले थोड़ा कम मिलेंगे क्योंकि किसी साल बहुत ज़्यादा फिर कम तो एवरेज आउट के 12-15 परसेंट बन जाते हैं हाँ आई थिंक हमारा मानना है कि इस साल आई थिंक थोड़ा कम रहेगा uh, क्योंकि uh, अगले साल लास्ट ईयर वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टॉक रिटर्न तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मॉडरेट ही रहना चाहिए आई थिंक एनी बिटवीन एट परसेंट टू ट्वेल्व रहना चाहिए ओके लास्ट क्वेश्चन मार्केट पे कोई ऐसा पोटेंशियल आपको ज्यादा रिस्क लगता है मार्केट के लिहाज से कि ये चीज मार्केट को थोड़ा ज्यादा क्लोजली वॉच करनी चाहिए वैसे तो बहुत सारे ग्लोबल रिस्क है डोमेस्टिक uh, में ज्यादा नहीं है बट ऑब्वियसली मार्केट सब को रिलेटेड है ग्लोबल मार्केट से सो so बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं मार्केट्स में ग्लोबल जियो पोलिटिकल टेंशन हो रहे हैं एंड वेरी स्पेसिफिक आई मीन यूएस में इकोनॉमी स्लो डाउन का बात हो रही है तो ये सब आ, ग्लोबल आ, मार्केट इश्यूज के वजह से मार्केट थोड़ा वॉलीडल रह, रह सकता है आ, और ओवरऑल तो थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए आई थिंक जहाँ पे भी वैल्यूशन कंफर्ट है जहाँ पे भी बिजनेस में ज्यादा दम है आई थिंक वहीं पे पोजीशन करना चाहिए ओवरऑल ओके okay. अब आते हैं फंड पे तो जैसा कि नाम इसका एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड तो क्या होता है ये इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में इनोवेटिव sure. अपॉर्चुनिटीज so, एक थीमेटिक फंड है uh -huh. uh, तो आप अब अगर देखोगे तो इनोवेशन एक ऐसी बात है जो अपने रोज के जिंदगी का हिस्सा है और हम कई uh, सब जगह देखते हैं uh, जैसे कि आप नए बहुत सारे नया बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में फॉर एग्जाम्पल फूड डिलीवरी क्विक डिलीवरी ई कॉमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूपीआई uh, फिनटेक्स तो ये बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं एंड वो बहुत वैल्यू जनरेट कर रहे कस्टमर्स को भी और शेयर होल्डर्स को भी और दूसरी जगह आप इवन ट्रेडिशनल कंपनीज में भी देखोगे वहां पे भी बहुत सारे इन्वेशन हो रहे हैं uh, जैसे कि फार्मा कंपनीज में uh, कई कंपनियां uh, नए ड्रग्स लॉन्च कर रहा है इनोवेटिव ड्रग्स पेटेंटेड ड्रग्स और इंडस्ट्रियल्स में बहुत सारे कंपनियां डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ला रहे हैं बहुत सारे आर एन डी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इवन डिफेंस में भी बहुत सारे इनोवेटिव इनोवेशंस हो रहे हैं और इवन अब तो आप कहीं पे भी देखोगे मधर न्यू एज कंपनीज में या ट्रेडिशनल कंपनीज में तो इनोवेशन तो हो रहा uh, है और कई कंपनियां है uh, जो इस ट्रेंड को लेकर बेनिफिट कर रहा है और कई कंपनियां नहीं कर रहे जैसे कि आप कोडा का और नोकिया के एग्जाम्पल देखोगे वो इनोवेशन के साथ नहीं रह पाया इसलिए वो मार्केट में नहीं रह पाया तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव है कि आ, हम वैसे कंपनीज में निवेश करेंगे आ, जहां पे देर इज इन्नोवेशन है एंड वो आ, अपने सेक्टर में वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है और ज्यादा हाई ग्रोथ पे ग्रो कर रहा है तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है तो, आप, तो वो अब तो वो वैल्यू माइग्रेशन क्लियर है इफ यू लुक एट तो बिजनेसेस और वैल्यू वो वैसे माइग्रेट हो रहा है लेस का इनोवेटिव कंपनीज से मोर इनोवेटिव कंपनीज वो ब्रॉडली वही मेन थीम है फंड का और एक और बात है कि अब अगर आप यूएस मार्केट देखोगे एंड यूएस इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल तो अगले दस साल में बहुत सारे चेंजेस हुए उसमें आ, दस साल पहले इंडेक्स में बहुत सारे बैंक्स थे ऑटो कंपनीज थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे ऑयल कंपनीज थे और अभी तीस परसेंट के प्रतिशत के ज्यादा ये इनोवेटिव कंपनीज है यूएस इंडेक्स में तो हमारा मानना यह है कि इंडिया में भी ऐसा ही होगा अगले uh, दस साल में इंडेक्स में कई सारे इनोवेटिव कंपनीज विल बी पार्ट ऑफ द इंडेक्स वो हमारा हमारा मानना है तो वी हैव एक्चुअली पोजिशन टू दैट ट्रेंड और हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट निवेश करेंगे जो दस साल के बाद वो इंडेक्स के पार्ट होंगे तो ब्रॉडली वो आइडिया है फंड का प्रसाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा एक फलक बनेगा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसपे इस तरह की कंपनियाँ मतलब कोई भी सेक्टर नहीं बचेगा कोई कंपनी नहीं बचेंगी मैं थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा बनेगा फिर तो आप कहीं ना कहीं जाके उसमें चार पांच पैरामीटर लगाएंगे कि इसको मैं इनोवेटिव मानूंगा वो कैसे करेंगे आप क्योंकि तो इस परिभाषा से तो बहुत बड़ा यूनिवर्स बन जाएगा करेक्ट करेक्ट तो सेड uh, like एक, एक तो ये ट्रेडिशनल कंपनीज पे कई जहां इनोवेशन हो रहा है वो तो हमारा एक थ्रेशर रहता है तो एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा वैल्यू ये इनोवेशन से आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल से अगर uh, कई बड़ा कंपनी इनोवेट uh, uh, कर रहा है फॉर एग्जाम्पल छोटा पोर्टफोलियो स्मॉलर सेक्शन ऑफ दी ओवरऑल बिजनेस बट वो वो इनोवेशन के कारण एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट ऑफ दी ओवरऑल वैल्यू वो इनोवेशन से आना चाहिए तो so वो हमारा एक थ्रेश है और तो uh, ये ट्रेडिशनल कंपनीज में और नया न्यू एज कंपनीज में सारे कंपनीज Uh, which are doing slightly different बिजनेस uh, मॉडल थोड़ा अलग होना चाहिए मतलब इनोवेशन है हमारा डेफिनेशन है कि नया होना चाहिए और बेटर होना चाहिए तो इसके हिसाब से वो यूनिवर्स बहुत कम हो जाता है अच्छा तो एक एग्जांपल लेते हैं विदाउट नेमिंग द कंपनी एक कंपनी मान लीजिए और वो करेक्ट एल्यूमिनियम और कॉपर में डील करती है ना बहुत बड़ी कंपनी है अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस है कमोडिटी बेचते okay, रहते हैं पचास साल से बेच रहे हैं लेकिन अब उन्होंने उसमें थोड़ा सा इनोवेट करके उसको ईवी से जोड़ दिया कि अब हम ईवी के लिए काम कर रहे हैं क्या इसको माना जाएगा कि कंपनी है राइट हो गया तो हम देखेंगे कि वो नया बिजनेस जो है वो ओवरऑल वैल्यू में कितना परसेंट है फॉर एग्जाम्पल वो बहुत कम है पांच परसेंट दस परसेंट है तो हम नहीं मानेंगे बट अगर वो एटलीस्ट पंद्रह परसेंट है एंड वो ग्रो कर सकते हैं लग से तीन साल में वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है बीस परसेंट पच्चीस परसेंट हो सकता है तो ओवरऑल वैल्यू कंपनी का वैल्यू वहां से आ रहा है इनोवेशन से तो तब तब हम uh, उसको इन्वेस्ट में लाते हैं ऐसे फिर बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनियां जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं इट्स अ बैंकिंग अब वो कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं है अब वो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग करें उनको भी आप इसमें मान लेंगे क्योंकि उनका तो पूरा बिजनेस हाँ नहीं है क्योंकि हमारा डेफिनेशन है कि वो नया होना चाहिए और बेटर होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल बैंकिंग को देखोगे तो बेसिकली सब सब बैंक्स कर रहे हैं सभी बैंक्स कर रहे डिजिटल बैंकिंग तो वो नया नहीं है तो दस साल पहले वो नया था जहां एक्चुअली ओनली कई कुछ बैंक्स करते थे बट अभी वो नया इनोवेशन नहीं है तो हम वो बिजनेस मॉडल को इनोवेशन नहीं कर सकते तो फिर चर्निंग बड़ी जल्दी करनी पड़ेगी हर, हर तीन चार साल बाद आपको वो पुराना लगने लगेगा ये थोड़ा बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल बैंकिंग देखोगे तो वो आ, वेरी लॉन्ग टाइम इतना लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है अगर क्लाउड डिजिटल देखिए तो वो भी दस साल से चल रहे और अभी भी चल रहे और अगले दस साल भी चलेगा तो ये समझ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है और कई ट्रेंड्स है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर ई कॉमर्स का देख लीजिए तो वो अगले ई e कॉमर्स पांच uh, साल से चल रहा है बट अभी भी आप ओवरऑल रिटेल सेल्स में ओनली सात परसेंट एक्चुअली ऑनलाइन सेल्स है तो वो अगले दस साल भी चल सकता है तो ये तो ये बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है उसमें देर कैन बी अ लॉन्ग वैल्यू क्रिएशन ओके प्रसाद एक और सवाल कुछ कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है इनोवेशन hmm. नहीं है उसमें बहुत कोई बहुत आर uh, एनडी okay. नहीं किया उन्होंने लेकिन स्ट्रैटेजी okay. बिल्कुल बदल दी और उससे पूरा बिजनेस ही चेंज हो जाए okay. क्या उसको इस कैटेगरी में माना जाएगा ओके okay. अगर ये स्ट्रेटजी नया है हुँ. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो कुछ टाइम पहले डोमिनोज पिज्जा है तो तो दे लॉन्च थर्टी मिनट डिलीवरी वाला ऑफरिंग तो वो एक्चुअली उस टाइम पे नया है अगर बाकी बाकी कॉम्पलेटर्स नहीं कर रहे थे तो वो एक अलग डिफरेंशिएट रहता तो वो इनोवेशन इनोवेशन में आएगा आ, तो वो स्ट्रेटी तो के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो नया और डिफरेंशिएटेड होना चाहिए और वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए उस स्ट्राटेजी से ओके बड़ी इंडस्ट्री एज हम लोग यार नाम ले रहे हैं तो ऐसा चूंकि फंड अभी है नहीं इसलिए एग्जाम्पल के लिए नाम लिए जा रहे हैं ब्लिंकट मान लीजिए वही एक्सटेंशन है, है। वो डोमिनोज के थर्टी मिनट्स वाले चैलेंज का एक्सटेंशन है ब्लिंकट माना जाएगा ये आपके हिसाब से नया हम्म हाँ हाँ ये नया इमर्जिंग ट्रेंड है मैं लाइक एग्जांपल आई आइए इवन ई कॉमर्स भी अभी भी इमर्जिंग है ना तो वो चल रहा है सात पांच साल से बट अभी भी एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल रिटेल सेल्स अभी भी कम है तो अभी इमर्जिंग ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल क्विक डिलीवरी फूड डिलीवरी ये सब इमर्जिंग ट्रेंड्स है तो अभी के लिए वो इनोवेटिव ट्रेंड्स है चलिए पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद प्रसाद से कुछ और दिलचस्प बातें पूछेंगे कि वो कंपनी कैसे ढूंढते हैं पहले कंपनी ढूंढते हैं या पहले थीम ढूंढते हैं